हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के पार्ट टू में, जहां पे आज हम लोग अपने लेफ्ट ओवर फाइलम्स को जो कि इनवर्टिब्रेट में थे उनको कवर करने वाले हैं। फाइलम एनिलिडा से स्टार्ट करेंगे और हेमिकॉर्डेटा तक ले जाकर खत्म कर देंगे इस लेक्चर को, और उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहां से शुरू करेंगे फिर से एक नया टॉपिक जिसको कि कंप्लीटली कॉर्डेट पे डिपेंड रखेंगे। तो कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा के बाद जिसमें हम लोग डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे उसकी, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड, साथ में मैमल को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां पे लास्ट टाइम पे आपको छोड़ के गए थे, फाइलम एनिलिडा से। फाइलम एनिलिडा, चलिए देखते हैं फाइलम एनिलिडा क्या है और ये इनको किस नाम से जाना जाता है, साथ में इनके अंदर कौन कौन सी जो है खास बातें हैं। जैसे फाइलम एनिलिडा अगर हम इसको देखें तो ये जो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है एनिलिस या एनुलाई। तो एनिलिस का मतलब होता है रिंग वन, छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है जुड़ के आपस में एक बॉडी बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एनिलिस या एनुलाई। एनुलाई का जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम लोग एनुलस भी कहते हैं, जिसको लिटिल रिंग के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वही जाके इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, और उनकी बॉडी रिंग लाइक सेगमेंटेड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये सेगमेंटेशन अलग तरीके के सेगमेंटेशन के नाम से जाना जाएगा। इनका जो हैबिटेट रहा है वो कहाँ पे है, साल्ट वाटर और साथ साथ में फ्रेश वाटर में भी ये देखने को मिलेंगे। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो हमेशा से ऑर्गन सिस्टम लेवल का रहा है, यानी अब फाइलम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वहां पे हमको ऑर्गेनाइजेशन एडवांस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब यहां से फाइलम एनिलिडा से लेकर आने वाले कॉर्डेट तक या हेमिकॉर्डेट से लेकर उसके आगे कॉर्डेट तक में हमको हर जगह ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन ही देखने को मिलेगा। सिमेट्री बायलेटरल होगी यहां पे। मैंने कहा था सिर्फ तीन जगहों पे सिमेट्री हमको क्या मिली है, रेडियल मिली है, जैसे टेनोफोरा, सिलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा हर जगह आपको बायलेटरल सिमेट्री या एसिमेट्रिकल देखने को ही मिलेगा। एसिमेट्रिकल आपको दो जगहों पे देखने को मिले थे, जैसे प्रोटोजोवा और पोरीफेरा। तो प्रोटोजोवा और पोरीफेरा को अगर हम छोड़ दें तो हमको हर जगह वो क्या मिलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब है तीन जर्म लेयर पाई जा रही है, साथ में ये सिलोमेट है। सिलोमेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यू सिलोमेट। यू का मतलब ट्रू सिलोम का पाया जाना। जिनमें जिनमें सिलोम बन रहा है वो उनको हम लोग यू सिलोमेट बोलेंगे। यू सिलोमेट या सिलोमेट एनिमल को हम साइजोसील, हीमोसील और ऐसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे जब साइजोसील या हीमोसील की बात आएगी तो उसको डिफरेंट फाइला में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। इनकी जो सबसे खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फाइलम का, वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि लीनियर सीरीज ऑफ द रिपीटेड पार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर टू द पोस्टीरियर। अगर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये अर्थवर्म है। तो कह रहे हैं कि अर्थवर्म में यहां से लेकर सेगमेंटेड फॉर्म में ये मल्टीपल सेगमेंट में बना होगा, डिवाइडेड होगा और लास्ट तक में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिपीटेड पार्ट जो है देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस हर एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसको एक मेटामियर बोलेंगे। तो एक मेटामियर या ऐसे ढेर सारे मेटामियर का पाया जाना मेटामेरिज्म कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जिसको हम लोग जनरली ग्लाइडिंग में यूज करते हैं। जैसे इस तरह की एक बॉडी हो जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई गई हैं, वो क्या करेंगे, अर्थवर्म को दिखा आपने चलते हुए क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी को सिकोड़ता है, खींच के ले आएगा। ये यहाँ पे है, इसको पूरा खींच के ले आएगा इसके पास में, इसको फिर होल्ड करेगा, फिर यहां धीरे धीरे रिलीज करेगा। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाइए छोड़िए फिर देखिए भागता है एक तरफ, बिल्कुल उसी तरीके से लोकोमोशन करता है। कौन सा वाला, ये वाला। फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या बनता है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन बनते हैं पैरापोडिया, जो कि ज्यादातर हमको देखने को मिलेगा कहां पे, नेरिस में। नेरिस वो एनिमल है जो डायोसियस होता है फाइलम एनिलिडा में। डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल है, जिसमें मेल और फीमेल क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी में देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज टाइप का है, इसका मतलब है कि आपको इसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज देखने को मिल जाएंगे। तो ए वी सी जो है, जिसको हम आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पे नेफ्रिडिया। एक्सक्रीशन कितने टाइप्स होता है ये हम आपको लास्ट में मेंशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन से शुरू करें। तो एक नेफ्रिडिया नामक ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स किंगडम एनिमेलिया से इंपॉर्टेंट होते हैं, टिक करके रखिएगा, नीट में ऐसे सवाल आते हैं। अगला है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि पेयर्ड गैंग्लियन, गैंग्लियन वर्ड यूज किया गया ब्रेन के लिए। अभी ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, एडवांस नहीं हुआ, इसलिए गैंग्लियन वर्ड यूज कर रहा है। गैंग्लियन एंड लेटरली कनेक्टेड टू द नर्व कॉर्ड, और अगर आप साइड बाय साइड भी देखेंगे तो ये क्या होता है, डबल नर्व कॉर्ड से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है।
सेक्सेस आप इनमें दो तरह के दिखेंगे, मोनोसियस और डायोसियस भी। मोनोसियस जिसमें सिंगल बॉडी में मेल और फीमेल देखने को मिलता है, जैसे अर्थवर्म इसकी हाफ बॉडी में क्या हो सकता है मेल का पार्ट और हाफ में फीमेल का, ये मोनोसियस हो गया। लेकिन वहीं पे डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब नेरिस, नेरिस जब सेक्सुअली मेच्योर होता है तब इसको बोलते हैं हेटरोनेरिस। तो हेटरोनेरिस सेक्सुअली मेच्योर होने के बाद है और इमेच्योर फीमेल फॉर्म में फेज में उसको लोग नेरिस के नाम से जानते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है जो फाइलम एनिलिडा को जस्टिफाई करेंगे यहाँ पे, हिरुडिनेरिया आल्सो नोन एज ब्लड सकिंग लीच, फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म, और नेरिस का नाम तो हमने पढ़ ही लिया था यहाँ पे। ब्लड सकिंग लीच जिसको जोंक के नाम से भी जानते हैं वो है सैंग्वीवोर। तो सैंग्वीवोर कौन होते हैं, सैंग्वीवोर वो होते हैं जो ब्लड फीडर होते हैं, ब्लड पे फीड करने वाले एनिमल को क्या बोलते हैं सैंग्वीवोर। जैसे आप मच्छर को भी बोल सकते हैं लेकिन हालांकि बोला नहीं जाएगा, वो ब्लड के अलावा भी और चीज को फीड करता है इसलिए उसको सैंग्वीवोर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एनिमल डायरेक्टली सिर्फ फीड कर रहा है, न्यूट्रिशन उसका क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ब्लड है, तो उसको हम लोग सैंग्वीवोर बोलेंगे। अगला फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम है हमारे सामने आर्थ्रोपोडा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। सबसे बड़ा फाइलम अगर कोई है किसी किंगडम एनिमेलिया का तो वो कौन है, आर्थ्रोपोडा। क्यों है सबसे बड़ा फाइलम, तो दिखने में बड़ा लगता है नहीं, नंबर ऑफ स्पीसीज जो ये कंटेन करता है अपने फाइलम में वो सबसे ज्यादा है, वो मैक्सिमम है, 10 लाख से ज्यादा स्पीसीज है इसके पास, इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम बनकर बैठा हुआ है। आर्थ्रोपोडा ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, आर्थ्रोस एंड पोडोस। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडोस का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो पोडोस का मतलब अपेंडेज, जॉइंटेड अपेंडेजेस जहां पे पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे आर्थ्रोपोडा। सबसे लार्जेस्ट फाइलम ही है, इसके अलावा सेकेंड टू थर्ड स्पीसीज ऑन अर्थ जो है वो कौन है, स्पीसीज आर्थ्रोपोडा। कहते हैं कि हर दो सेकेंड थर्ड जो स्पीसीज है अर्थ पे वो किसकी है, आर्थ्रोपोड की। यानी मैं ये कह रहा हूं अगर आप रैंडमली कोई सात स्पीसीज को पकड़िए, सात इंडिविजुअल को पकड़िए, तो आप ये पाएंगे कि उसमें से छह या सात जो है ना वो आर्थ्रोपोड से बिलोंग कर रही है, इतना नंबर ज्यादा है इनका इस फेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इनका, सिमेट्री इनमें बायलेटरल मिलेगी, फिर से कहा था दो पार्ट में, लेटरल पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड होंगे, ट्रिपलोब्लास्टिक लेकिन सिलोमेट एनिमल है। सिलोम में देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें हीमोसील बन रहा है। हीमोसिल का मतलब होता है जब बॉडी का फ्लूइड यानी जो ब्लड है, ब्लड अगर कैविटी में पाया जा रहा है या सिलोम में पाया जा रहा है, फ्लो कर रहा है, उसके ऑर्गन उसमें सबमर्ज है, डूबे हुए हैं, तब उसको जाके हीमोसिल बोलते हैं। बॉडी सेगमेंटेशन में आपको हेड थोरैक्स एब्डोमेन मिल जाएगा, और हेड थोरैक्स और एब्डोमेन ये कवर्ड होंगे बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यानी जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना है, काइटिन नामक एक तरह के सब्सटेंस का, प्रोटीन का बना हुआ है। और जब ये रेस्पायरेशन करेंगे तो रेस्पायरेशन देखिए बहुत बड़ा फाइलम है, तो डायवर्सिटी हैबिटेट वाइज भी अलग होगा, कहीं पानी में होगा, कहीं हवा में होगा, कहीं जमीन पे होंगे, मिट्टी के अंदर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी डेवलप हुआ है, गिल्स, बुकलम्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया एटसेट्रा। लेकिन जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का है, ओपन टाइप का है देखिए इसीलिए तो हीमोसिल बना है, ओपन टाइप का होने की वजह से इसमें ब्लड क्या है डायरेक्ट बिना किसी पाइपलाइन में पैक हुए फ्लो हो रहा है, इसलिए ओपन टाइप का है। सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, एंटीना, एंटीना और आई। एंटीना देखते हैं वो चीटी देखिए उसके आगे हेड पे एंटीना पाया जाता है, तो वो एंटीना और आईज का मतलब दो आंखें, सिंपल आईज और कंपाउंड आईज के फॉर्म में इसमें इनकी आईज मिलेगी। बॉडी में एक ऑर्गन है जो बॉडी को बैलेंस करता है, उसका नाम है स्टेटोसिस्ट। अभी तक ये एक दो बार ही आया हुआ है नीट में, अगर आगे आ गया तो ये अच्छी बात होगी हमारे लिए। अगला है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इनमें मेल्पिगियम ट्यूब्यूल बनती है, डाइजेस्टिव सिस्टम एनस के ठीक पास, रेक्टम के पास जो है वहां पे एक ऑर्गन पाया जाता है कुछ इस तरीके का, जिसको हम लोग मेल्पिगियन ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल ये जो है, ये मेल्पिगियन ट्यूब्यूल है, ढेर सारी उसमें रेज बनती है, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अच्छा, इनका एग्जांपल अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है, साथ में हार्मफुल भी है, और साथ में वेक्टर भी है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो हमको इकोनॉमी जनरेट करके दे सकती है उसमें नाम है, पहला नाम है एपिस इंडिका का। एपिस इंडिका को हम लोग हनी बी के नाम से जानते हैं। बॉम्बिक्स मोराई जिसको हम लोग सिल्कवर्म के नाम से जानते हैं, जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है। लैसिफर लक्का से हम लोग लैक, लाख का इंसेक्ट कहते हैं इसको, लाख का नहीं मतलब लाख रुपए देने वाला इंसेक्ट नहीं है, वो लाख एक तरह का वो प्रोडक्ट होता है ना जो वैक्स की तरीके का होता है, जैसे टॉयज वगैरह ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये वही वाला है। वेक्टर के फॉर्म में जो डिजीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है वो है मॉस्किटो। मॉस्किटो की तीन वैरायटी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, तीन स्पीसीज मिल जाएंगी, इसका नाम है एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज। एनाफिलीज मलेरिया डिजीज का वेक्टर है, क्यूलेक्स फाइलेरिया के लिए, और एडीज जो है डेंगू के लिए। एडीज एजेप्टाइड डेंगू के लिए, डेंगू वायरस के लिए, डेन वायरस के लिए जो है वेक्टर का काम करेगा। वहीं पे हमारे पास एक ग्रिगेरियस पेस्ट भी है जो फसलों को क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसका नाम है सिस्टोसर का ग्रिगेरिया। अगर आप इसको इस नाम से नहीं पहचान पा रहे तो दूसरा नाम इसका लोकस्टा या लोकस्ट के नाम से आपने इसके बारे में सुना होगा।
अगला फाइलम है फाइलम मोलस्का। ये सबसे फेवरेट फाइलम है मेरा, पता नहीं क्यों बस बना हुआ है। कैसे, अगर हम इसके अपीयरेंस वाइज जाए तो आपने सुना होगा कि पर्ल मोती बनते हैं। मोती कहां बनते हैं? मोती समंदर में बनते हैं। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरती है और उससे क्या होता है, पर्ल बन जाता है। और ये जो बैठा हुआ है पिंक टारा जिसका नाम पर्ल ऑयस्टर है, तो पागल है। तो पागल कैसे है? हम एक्सप्लेन करेंगे फिर बताएंगे आपको। फाइलम मोलस्का जिसको कि स्लग लाइक अपीयरेंस के नाम से भी जानते हैं, स्लग लाइक अपीयरेंस का मतलब इनकी बॉडी बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है, अनसेगमेंटेड आप कह सकते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। इनका हैबिटेट टेरेस्ट्रियल जमीन पे और एक्वाटिक, एक्वाटिक में फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों देने को मिल जाते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल होती है। हालांकि अगर आप स्नेल में जाएंगे तो स्नेल में कहते हैं कि ये एसिमेट्रिकल होता है, तो एसिमेट्रिकल भी आपको मिल जाएगा एक्सेप्शनली, ये माइंड में रखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर पाई जा रही है, तो मतलब सिलोम तो बनना तय है, सिलोम में बनेगा लेकिन साइजोसील होगा। साइजोसील का मतलब होता है स्प्लिटिंग हुआ है, किसका? स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म जब स्प्लिट ऑफ होता है तब जो बनता है सिलोम बॉडी कैविटी, उसको साइजोसील बोलते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड है कैलकेरियस सेल से, जैसे घोंगा, देखिए घोंगा के ऊपर जो है जो कवरिंग पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को ही कैलकेरियस या कैल्शियम कार्बोनेट बोला गया। तो कैलकेरियस है इनका एक्सोस्केलेटन कह सकते हैं एक तरीके से। और बॉडी अनसेगमेंटेड है विथ डिस्टिंक्ट, अनसेगमेंटेड बट डिस्टिंक्ट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेड भी है, मस्कुलर फूड भी बनता है, विसरल हम्प भी बनता है। ओवर द विसरल हम्प, विसरल हम्प के ऊपर मान लीजिए ये दो कवरिंग है, बाइवाल्विया वाली कैटेगरी में देखें तो दो वाल्व जहां बनते हैं, तो ये वाली जो कवरिंग जिसको विसरल हम्प कह रहे हैं उसके अंदर सॉफ्ट स्पंजी स्किन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। तो इसके बीच में यहाँ पे एक कवरिंग बनेगी इसके ऊपर जिसको मेंटल बोलेंगे। और मेंटल में क्या होता है, मेंटल में बनता है वो पर्ल, वो मदर पर्ल, जहां पे नेक्रे वाली लेयर पाई जाती है जिसमें क्या होगा, मोती का फॉर्मेशन, पर्ल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें एक्सक्रीशन की बात करें तो इनका जो एक्सक्रीशन है वो है ऑर्गन ऑफ बुजैनस और साथ में केबर्स ऑर्गन। तो दो ऑर्गन है यहाँ पे, दो ऑर्गन देखने को मिलेंगे आपको ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए। और अगर इसके इंटीरियर साइड पे जाइए तो इंटीरियर साइड पे हमको सेंसरी ऑर्गन मिलेंगे जिनको हम लोग टेंटिकल के नाम से जानते हैं। और इसके माउथ के अंदर रेस्पिंग ऑर्गन है, रेस्पिंग का मतलब ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, फूड को ग्राइंड करने वाला एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग रेडुला के नाम से जानते हैं। तो रेडुला जो है रो ऑफ टीथ है, फॉर्मूला होता है उसका 2112 का, यानी टोटल नंबर ऑफ टीथ देखेंगे एक रो में तो कितना मिलेगा, 7। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। डायोसियस है साथ में ओवीपेरस है, डायोसियस के साथ ओवीपेरस है। एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा पाइला, पाइला का मतलब एप्पल स्नेल, घोंगा, घोंगे की बात हो रही है, पिंक डाटा वल्गैरिस जिसको हम लोग पर्ल ओइस्टर के नाम से जानते हैं, सीपिया जिसको कटल फिश कहते हैं कॉमन नेम। अच्छा बताइए, नाम में फिश लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रू फिश है, ये फॉल्स फिश है। तो ऐसे वो सारी फिशेज जिनके नाम में फिश आ रहा है अभी तक के लिए वो सब फॉल्स फिश में कंसिडर होंगी। लोलिगो जिसको स्क्विड कहते हैं, सब सी फूड के नाम पे खाए जाते हैं। ऑक्टोपस जिसका नाम डेविल फिश है, यहाँ पे भी फिश आया हुआ है और ये वापस से क्या है, ये वापस से फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश ही है। डेंटेलियम जिसको टस्क सेल, हाथी के दांत वाला नाम से भी जानते हैं, दिखता भी वैसा ही है बिल्कुल। और किटोप्लूरा जिसको काइटॉन कहते हैं। अगला फाइलम है हमारे पास सबसे बढ़िया वाला फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्यों इकाइनोडर्मेटा अच्छा है और किस तरीके से अच्छा है ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा दो वर्ड से मिलकर बना है, इकाइनस और डर्मा। इकाइनस मतलब हेजहॉग या स्पाइनी और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो ऐसे एनिमल जिनकी स्किन स्पाइनी या हेजहॉग होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है यहाँ पे एसिडिक लिख में और आप लोग देखते रहेंगे इसको इसी सीक्वेंस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में, एक समराइज फॉर्म में, एक सिंगल स्लाइड में एक फाइलम को कवर करने का ट्राई किया गया। पूरी एनसीईआरटी की वन बाई वन लाइन टू लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। अगर और डिटेल में डायग्रामेटिकली आपको देखना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए स्टडी क्लिक और ज्वाइन करिए, वहां पे फ्री टेस्ट की सर्विस आपके साथ कंटिन्यू लगी हुई है 2025 के लिए नीट में। एंडोस्केलेटन जो बना है इनका वो कैसा है बेटा, एंडोस्केलेटन बना है कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। हैबिटेट जो है वो मराइन सॉल्ट वाटर में ही आपको मिलेंगे, ये मतलब एक्सक्लूसिवली मराइन, कभी भी आपको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगा ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी है इनका, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम बन रहे हैं, सिमेट्री। अब यहाँ पे देखिए जहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा सवाल नीट में वहीं से आएंगे। सिमेट्री में कह रहा हूँ बायलेटरल है लेकिन लार्वल फॉर्म में, और वहीं पे रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं एडल्ट फॉर्म में। तो ये बात याद रखिएगा कि ये नीट में आ चुका है, ये सवाल नीट में आ चुका है 2023 से 2022 में, ध्यान से।
डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, इसका मतलब है कि माउथ और एनस बन रहे हैं। वेंट्रल साइड पे माउथ की लोकेशन और डॉर्सल साइड पे एनस की लोकेशन होगी। एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जैसे एक बना था कैनाल सिस्टम बना था फाइलम पोलिफेरा में, यहाँ पे जो बन रहा है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि एम्बुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, फूड के कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में, साथ में रेस्पिरेशन में। लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट तो ये भी हो गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया इसमें एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसका मतलब फ्री स्विमिंग लार्वा बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपके पास एस्टेरिया जिसका नाम है स्टार फिश, जितने भी इसमें है देखिएगा सब में क्या मिलेगा, पेंटामेरस सिमेट्री देखने को हमको मिलती है, पेंटामेरस फॉर्म में ये मिलेंगे। इकाइनस जिसको सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडॉन सी लिली के नाम से जाना जाता है, कुकुमेरिया को समुद्र का खीरा कहते हैं और ओफ्यूरा को हम लोग ब्रिटल स्टार के नाम से जानते हैं। एक लास्ट स्लाइड आज के लिए जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा को, और हेमिकॉर्डेटा के बाद कुछ कॉर्डेट के कैरेक्टर्स को डिफाइन करके खत्म करेंगे, फिर साइक्लोस्टोमेटा, प्रोटोकॉर्डेट यानी जिसमें हम यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को पढ़ने के बाद फिर आएंगे वर्टिब्रेट पे, और वर्टिब्रेट को डिफाइन करेंगे कि वर्टिब्रेट में कितने सेगमेंट हैं और क्यों वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो वन स्लाइड में, सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइड में पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, सॉरी कॉर्डेटा को खत्म करेंगे अभी के लिए। हेमिकॉर्डेट, हेमी का मतलब होता है हाफ कॉर्डेट, वर्म लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी की होती है, हैबिटेट मराइन है, सॉल्ट वाटर में, आप यहाँ पे बोलेंगे इसको एक्सक्लूसिवली मराइन, हमेशा सॉल्ट वाटर में पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे, सिमेट्री जो है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, ट्रिपलोब्लास्टिक है, चर्म लेयर जो है तीनों पाई जाती है, सिलोमेट है, सिलोम का बनना, और बॉडी जो है डिविजिबल है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में, यानी प्रोबोसिस और कॉलर और ट्रंक क्या होंगे, फॉर्म होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, हीमोसिल बनना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बना। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा परफॉर्म कर रहा है, एक्सप्रेशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड है, सेक्सेस सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग होंगे, डायोसियस, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल फॉर्म मिलेगा। एग्जाम्पल है बेलेनोग्लॉसस, सेकोग्लॉसस, यहाँ पे ग्लॉसा वर्ड की मीनिंग आती है, ग्लॉसा वर्ड का मतलब होता है शाइनी, तो स्लीपरी शाइनी इनकी बॉडी होती है, इसलिए इनको बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ के लिए इतना, और आने वाले सेगमेंट में कार्डेट के लिए, तो कार्डेट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमने आपको पहले बता दिया था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, आज उसके आगे लेके चल रहे हैं। कार्डेटा में जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनके बेस पे डिफाइन किया गया था, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना, पेयर्ड फेरिंजियल ग्लिसरिड्स का पाया जाना और पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, इन सब का पाया जाना ये बताता है कि ये कार्डेट है। इनके अलावा कार्डेट के और कौन से कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हमको देखने को मिलेंगे, जैसे बायलैटरल सिमेट्री मिल जाएगी, सारे कार्डेट बायलैटरल सिमेट्री होंगे, चाहे कोई भी क्लास हो, फिशेज हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, बर्ड हो या मैमल, एवीज या मैमल अगर हम पढ़ रहे हैं, उन सभी में बायलैटरल सिमेट्री होगी। ट्रिपलोब्लास्टिक होंगे, तीन जर्म लेयर पाई जाएगी, सबके सब सिलोम होंगे, सबके सबकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सबकी बॉडी में पोस्ट एनल टेल होगा, लाइफ किसी किसी एक फेज में देखने को मिलेगा मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, सब में क्लोज टाइप का है, मतलब हार्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो चुका है, अब दो चैम्बर है, तीन चैम्बर है, साढ़े तीन चैम्बर है, चार चैम्बर हार्ट है, इसके बारे में हम लोग क्लास वाइज देखेंगे। फिर आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को अगर हम डिफाइन करें तो हमें क्या कहा था, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट में डिवाइड करिए, जिसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में प्रोटोकॉर्डेट के नाम से जानते हैं। और अगला सेगमेंट बचता है इसका वर्टिब्रेट का, तो प्रोटोकॉर्डेट जो है ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, सिर्फ सॉल्ट वाटर में ही मिलेंगे, और क्यों ये हम लोग जानते हैं इनको इस तरीके से, अगर याद करना है प्रोटोकॉर्डेट को तो हर्ट एबीसी के नाम से याद रखिएगा, यूरोकॉर्डेट, हर्डमानिया, ट्यूनिकेट, एम्फीऑक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा, सिफेलोकॉर्डेट, इस नाम से। और वर्टिब्रेटा के लिए आप जानते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। लेकिन यहां पे एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो ये है, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टर्म पे कॉर्डेट के कंप्लीट रिवीजन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।